उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। आने वाली सरकार को लेकर G9 न्यूज ने मथुरा के व्यापारियों का मूड जाना है कि वो किस तरह की सरकार चाहते हैं, क्या क्या अपेक्षाएं नई सरकार से रखते हैं। सुरक्षा दे व्यापारियों को, जो पब्लिक का काम करे, व्यापारियों का फायदा करे, व्यापारियों के हित में, जनता के हित में कार्य करे, गरीबों का साथ देने वाली हो। हमारी महिलाओं के लिए जितनी सुविधा दे सके सरकार, वैसी ही सरकार हमें चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और अब आने वाले दिनों में चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेजी से आ रही हैं। आइए आज जनता का मूड जानते हैं कि जनता उत्तर प्रदेश में किस तरह की सरकार चाहती है। आज हम बात करेंगे मथुरा के व्यापारी वर्ग से, चाहे वो छोटा व्यापारी है, खुदरा व्यापारी है, थोक व्यापारी है, कि आखिर जनता अब उत्तर प्रदेश में किस तरह की सरकार चाहती है। आने वाली 10 फरवरी को मतदान होगा, तो जनता ने किस तरह का मूड बनाया है, व्यापारियों ने किस तरह का मूड बनाया है कि उनके हितों को साधने वाली सरकार आए। तो आइए चलते हैं और जानते हैं व्यापारियों के मन की बात। आइए व्यापारियों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में वो किस तरह की सरकार चाहेंगे और उनके जो व्यापारियों के हितों को जो पूरा करे, ऐसे सरकार की कैसी उम्मीद करते हैं, आइए जानते हैं। आपका शुभ नाम? दीपक। दीपक, किस चीज़ का व्यवसाय करते हैं आप? डेयरी संबंधित। अच्छा, उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीख घोषित हो गई है और आपके शहर में 10 फरवरी को मतदान होना है, तो इस बार दीपक कैसी सरकार चाहते हो आप? बढ़िया सरकार चाहते हैं, जो सुरक्षा दे व्यापारियों को और व्यापारियों के हित में काम करे, ऐसी सरकार चाहते हैं। आपकी बार जो सरकार रही है उसमें आपके हित पूरे नहीं हुए? यहाँ सरकार हित पूरे करती है व्यापारियों के, आगे भी करती रहेंगी, जो अच्छा काम करेगी उसी को दिया जाएगा वोट। मन बना लिया आपने? और आगे देखते हैं, मन अभी तो बना हुआ है हमारा। तो आप अपने मन के हिसाब से करेंगे या आपका कोई संगठन है, व्यापार मंडल है, उसके कहने पर मतदान करेंगे? नहीं, अपने मन से करेंगे, जो हमको अच्छा लगेगा वो करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आ गए, कैसी सरकार चाहते हैं? बढ़िया सरकार चाहते हैं, जो पब्लिक का काम करे, और वैसे योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है और कोरोना चल ही रहा है इस समय, और चुनाव बाद में होते तो और बढ़िया बात थी। बढ़िया से मतलब क्या चीज़ें चाहिए आपको? कोरोना पब्लिक घूम रही है, ये इससे दिक्कत है पब्लिक को भी, सबों को दिक्कत है। सरकार से मतलब क्या चाहते हो आप? सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार जो है काम करे और सफाई करे सरकार, और जो बेरोजगार है उनको काम मिले। सरकार बढ़िया। क्या नाम है आपका? राजेंद्र अग्रवाल। चुनाव की तारीख घोषित हो गई है, 10 फरवरी को चुनाव है मथुरा में। 10 फरवरी को। कैसी सरकार चुनोगे इस बार? सरकार बढ़िया होनी चाहिए, व्यापारियों में फायदा करे और नौकरी पैसा वालों को फायदा करे, मजदूर वर्ग को फायदा करे, आम आदमी को फायदा करे। बढ़िया सरकार सबके लिए उचित व्यवहार करे। दिनेश नाम है मेरा। दिनेश, क्या काम करते हो? डकेल लगाता हूँ, सामान बेचते। उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीख घोषित हो गई है, मालूम? मालूम है। ये मार्च में 10 फरवरी को मथुरा में। 10 फरवरी को मथुरा। अच्छा दिनेश, किस तरह की सरकार चाहते हो, आपके क्या मन में, कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? अरे धंधा रोजगार बढ़िया चलना चाहिए, सरकार अच्छी आए और क्या चाहिए। आप आ गए हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं? अच्छी स्वच्छ सरकार हो, गरीबों का साथ देने वाली हो, बढ़िया सरकार हो, मजदूरों का साथ दे, काम बढ़े, सब काम हो, मजदूरों के जो विकास कार्य है वो पूरे हों, विकास कार्य पूरे न हो। अब आपको जो महिला उद्यमी है, व्यवसायी है, उनसे बात कराते हैं कि चुनाव को लेकर किस तरह की उनके मन में है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम छाया गुप्ता है और मैं ये चाहती हूँ कि हमारी महिलाओं के लिए जितनी सुविधा दे सके सरकार, वैसी ही सरकार हमें चाहिए, और हमारे व्यापार को बढ़ाए, थोड़ा थोड़ा सा जो महंगाई बढ़ रही है इस महंगाई को थोड़ा कम करे, और हम तो ये चाहते हैं कि मोदी योगी जैसी सरकार हमेशा रहे, क्योंकि मोदी योगी जैसी सरकार और कोई हमें लगता नहीं कि और हो सकती है। हम चाहते हैं कि हमारे योगी जी हमारे मथुरा में आए। चाचा जी, आपने कहा कि जो महिलाओं को लेकर सुविधाएं बढ़ा, तो कैसी सुविधाएं महिलाओं को लेकर चाहती है? थोड़ी सी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी थोड़ी सी महंगाई कम हो जाएगी तो रोजगार भी बढ़ेगा, और थोड़ा सा कस्टमर भी बहुत कम हो गया है पहले से, क्योंकि कोरोना की वजह से और महंगाई की वजह से थोड़ा। तो महंगाई पर अंकुश चाहती हैं, और उसके अलावा ये महिलाओं को लेकर थोड़ी सुविधा करेंगी, थोड़ी सी महंगाई कम होगी तो हमारे यहाँ
ग्राहक भी आएगा, बस हाँ यही चाहते हैं हम। व्यवसाय की तरफ से गुंडा मुक्त सरकार होनी चाहिए, अच्छी सरकार होनी चाहिए, जिसका जो नेता चुना जाए वो अच्छा नेता होना चाहिए, और उसको जो ना तुम्हारे जो है व्यापारियों की तरफ सोचना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट आए उसको अपने मतलब जैसे जैसे जो GST वगैरह इसका सरलीकरण किया जाए, विकास का कार्य करना चाहिए, विकास के बहुत सारे मुद्दे हैं उन पर उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ये सरकार के अच्छी सरकार यही काम करती है। प्रेम शंकर अग्रवाल, मैं सराफा व्यवसायी हूँ। प्रेम शंकर जी, इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी घोषणा हुई है, 10 फरवरी को आपके मथुरा में मतदान है, इस बार कैसी सरकार चाहते हैं? ऐसी सरकार हम चाहते हैं जो कानून व्यवस्था बना के रखे, व्यापारियों के हित में जनता के हित में कार्य करे, भाई भतीजावाद से दूर रहे, भ्रष्टाचार से दूर रहे, और हमारे प्रदेश में ऐसा शासन सुशासन दे जिससे कि प्रदेशवासियों का कल्याण हो। हम भ्रष्टाचार से बहुत दूर रहना चाहते हैं। देखिए, व्यापारियों के लिए एक तो सुरक्षा का मुद्दा बहुत अहम है, और वो हमारी पुरानी सरकार योगी जी की सरकार में बहुत बढ़िया व्यापारियों के लिए सुरक्षा तो थी नहीं, व्यापारियों को कुछ सुविधाएं चाहिए। एक तो ये महंगाई का जो बना हुआ है वो महंगाई के कुछ कम हो तो व्यवसाय भी अच्छे चले। व्यापार में आजकल बहुत मंदी का दौर बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्या नाम है आपका? गिरीश कुमार। गिरीश, किस चीज़ का व्यवसाय कर रहे हैं? यही प्लाईवुड हार्डवेयर का कारोबार। उत्तर प्रदेश के चुनाव का बिगुल बच चुका, किस तरह की सरकार चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? भाजपा की सरकार की उम्मीद करते हैं जो गत वर्ष जिस तरीके से 5 साल निकाले उन्होंने, शांति का माहौल रहा, उसी से उम्मीद करते हैं कि आगे भी भाजपा की सरकार बने। व्यापारी के रूप में पूछ रहा हूं मैं, आप या व्यापारी किस तरह की सरकार चाहता है, क्या सुविधाएं, क्या उम्मीदें रखता है आने वाले सरकार? व्यापारी चाहता भय मुक्त सरकार रहे, जिससे व्यापार करने में उसको आसानी रहे। जिस तरीके से इन सरकारों ने GST को लाए, जिससे थोड़ा सा सेल टैक्स के और समस्याओं से समाधान हुआ, उसके सापेक्ष हम लोग ये चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने जो उत्तर प्रदेश का उद्धार करे, जनता का उद्धार करे, व्यापारियों का उद्धार करे, व्यापारियों की सुनवाई करे। क्या सुनवाई, क्या समस्या है व्यापारियों की? नहीं, जो समस्या आती है हमारे सामने तो कोई समस्या नहीं है इस टाइम पर, फिर भी समस्याएं आती हैं। बीजी, मेरा नाम संजय कुमार है, मंडी में मेरी आड़त है। सरकार जो चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है, इस समय BJP सरकार चाहती है, क्योंकि इसमें व्यापारी जिंदा है, मैं खत्म हो चुकी है, गुंडागर्दी तो है ही नहीं। जब व्यापारी पे कोई सामान लेने आता है, पैसा देने में आंखें निकालता था, उधार लेने के बाद में देने का मन ही नहीं करता था, अब वो पैसा दे रहा है, लेन देन भी कर रहा है, उसको प्रशासन का डर है, पुलिस का डर है, यही डर इस सरकार ने बनाया है। आइए और युवा व्यवसायियों से जानते हैं, आपका शुभ नाम? सौरभ वासने। किस चीज़ का काम है? मेरा दवाई का काम है, मेडिकल का। हाँ जी, हाँ जी। और अब यूपी में किस तरह की सरकार चाहते हो? यूपी में सरकार वैसे तो प्रेजेंट में चल रही सरकार वैसे सही है, और इस सरकार में गुंडा तत्व तक कम रहा है, और बाकी व्यवसाय के लिए कोई भी इन सरकार ने कोई बेनिफिट नहीं दिया है। व्यवसाय के नाते किस तरह की सरकार चाहते हो, क्या उम्मीद? व्यवसाय में इस समय 2 साल से कोरोना के मामले में किस दुकानदार का कौन सा भला किया है इन्होंने? दुकान बंद रहेगी जब भी बिजली का बिल पे किया है, हमने हमसे कही गई थी सब कुछ ना कुछ रियायत मिलेगी, आज तक 1 रुपये की रियायत नहीं मिली, GST इन्होंने पूरी लिया है। कोई भी इस तरह से अगर 2 साल से अगर रेगुलर आदमी जब बंद पड़ा है, कहाँ से अपने लालन पोषण करे? गवर्नमेंट के स्कूल फीस वाले छोड़ नहीं रहे, बच्चों का इंतजाम कहाँ से करे? आदमी वैसे कह रहे हैं कि साहब हम देश के लिए प्राप्ति हैं, देश और देश के लिए काम करेंगे। हमारे हिसाब से ये सिर्फ एक ही चीज़ पर है, अब हिंदुत्व का नारा खोल के उन्होंने कि साहब हिंदुत्व का नारा खोल लो और सरकार जीत लो दोबारा से, पर व्यवसाय के लिए उन्होंने 1 रुपये का काम नहीं किया है। ये पत्थर जो होते ही थे होंगे वो बीच में घुसल के चले गए हैं, और बीच बीच में गड्ढे बैठ गए हैं, किसी की मोटरसाइकिल बैठ जाए, और हम तो कह रहे हैं कि यंगस्टर तो झेल सकता है, जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, हमारे भी जाते हैं, आपके भी जाते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल। विकास कार्य ईमानदारी से हो, विकास कार्य कराएं, ईमानदारी से कराएं। गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे यहाँ बेईमानी कुछ भी नहीं है। बेईमानी क्यों नहीं है? 5 लाख की लागत लग रही है, मैं 2 लाख में काम कर रहा हूँ, और 2 लाख में जो एका है ये देश खा रहे हैं ये। तो देखा, ये युवा व्यवसायी है और इनमें आक्रोश है, उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना के समय व्यापारियों का भारी उत्पीड़न हुआ है, दुकानें बंद रही, उसके बाद भी उनको GST देना पड़ा, बिजली के बिल देने पड़े, स्कूल की फीस देनी पड़ी, तो इन सब चीज़ों को व्यापारी ने झेला है। और विकास के नाम पर उन्होंने मथुरा में कहा कि मथुरा में जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं उनमें लापरवाही बरती जा रही है, अनदेखी करी जा रही है, और अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। सीधा सीधा उनका आरोप है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है, तो वो चाहते हैं कि आने वाली सरकार व्यापारियों की इन सब समस्याओं को देखे, भ्रष्टाचार मुक्त हो, और
व्यापारियों के हितों का ध्यान में रखे तो इस तरह की सरकार चाहते हैं। तो आज आपने देखा मथुरा के व्यापारियों का मूड, व्यापारियों ने मूलभूत जो बात कही है कि व्यापारी को सुरक्षा मिले, जीएसटी पर थोड़ी लगाम लगाई जाए, महंगाई कम करी जाए और व्यापारियों से संबंधित जो छोटी मोटी समस्याएं और उनका ध्यान दिया जाए। एक व्यापारी ने बताया कि व्यापारियों पर आए दिन छापे के नाम पर उनका उत्पीड़न होता है, तो उन सब चीज़ों पर रोक लगाई जाए, शहर साफ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे और जितने भी विकास कार्य कराए जाएँ पारदर्शिता हो जिससे कि व्यापारियों को लाभ हो। जब बाजार साफ सुथरा अच्छा होगा तो ग्राहक भी बढ़ेंगे और व्यापारियों का व्यापार भी बढ़ेगा। तो आज ये सब मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी के लोगों ने अपना मन बताया, अपना मूड बताया कि 2022 के चुनाव में वो किस तरह की सरकार उत्तर प्रदेश में चाहते हैं। और देखना यह है कि 10 मार्च को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो इन व्यापारियों के जो मन की बात है उस पर आने वाली सरकार किस तरह से खरी उतरती है। जीना न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।